दिस साइड कुशल अग्रवाल फ्रॉम नेविगेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम आपसे कंक्रीट के रिगार्डिंग कुछ रोचक चीज शेयर करना चाहते हैं। जैसा कि मेरे दोस्तों एज इंजीनियर आप जानते हैं कि कंक्रीट की कंप्रेशन स्ट्रेंथ हम 7 डेज आफ्टर 14 डेज एंड 28 डेज को ही टेस्ट करते हैं। अप टू 28 डेज 99% तक उसकी स्ट्रेंथ गेन हो जाती है। पर मेरे दोस्तों मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ आज कि क्या हम कॉन्क्रीट को 27th और 29th डे में टेस्ट कर सकते हैं या नहीं? अगर नहीं कर सकते तो क्यों, और कर सकते हैं तो क्यों? तो इसका आंसर ढूंढने के लिए हमने बहुत सारी चीजों को गूगल किया और हमने बहुत सारी बुक्स को पढ़ा, पर इसका आंसर हमें कहीं नहीं मिला। फिर टिल द एंड इसका आंसर हमें अनएक्सपेक्टेड हिंदुस्तान से आके मिला बाय मिस्टर दामोदरन नायर। ही इज अ रिटायर्ड ड्राफ्टमैन। उन्होंने हमें कुछ रोचक चीजें बताई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने हमें बताया कि एशियन टाइम में इंग्लैंड में कॉन्क्रीट के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई और ये सब चीजें वहीं से हैं। इंग्लैंड में जब कभी भी कॉन्क्रीट कास्ट होता था तो वहां पे वो टेस्ट करते थे, तो वहां पे उस समय चर्च वाज सो पावरफुल। चर्च में ये कंपलसरी था कि इंजीनियर्स हर संडे को प्रेयर करें। यदि इंजीनियर्स प्रेयर करने को नहीं आते थे तो उनको पनिशमेंट होता था। तो उस पनिशमेंट से बचने के लिए इंजीनियर्स ने इंग्लैंड के अंदर नई टेक्निक अपनाई। उन्होंने बोला कि जिस दिन भी हम कंक्रीट को कास्ट करेंगे इनटू सेवन करेंगे। इनटू सेवन मींस अगर हम मंडे को कास्ट करते तो इनटू सेवन करेंगे तो मंडे ही वापस आएगा। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन बनाया, दैट इज कॉल्ड ब्रिटिश स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। और उसमें उन्होंने बोला कि 4 × 7 इट मींस 7 days, 14 days एंड 28 days के बाद हम कॉन्क्रीट को टेस्ट कर सकते हैं, जिससे संडे हमारा रिपीट ना हो। मेरे दोस्तों मैं इसको दुर्भाग्य बोलूं या पॉजिटिविटी बोलूं कि एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन हमने उस स्पेसिफिकेशन को कॉपी किया बिना जांचे परखे फ्रॉम ब्रिटिश इंडियन स्टैंडर्ड कोड। और आज भी हम हिंदुस्तान में चाहे हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करें, कोई भी टेक्निक की बात करें, कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट हम 7 days, 14 days एंड 28 days एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड 456 टेस्ट करते हैं। तो मेरे दोस्तों द क्वेश्चन इज दैट कि 28 डेज के बाद भी हम कंक्रीट का अगर टेस्ट करेंगे तो क्या उसकी 99% स्ट्रेंथ गेन होगी या नहीं होगी? और होगी तो क्या हमें 28 डेज के बाद स्ट्रेंथ गेन नहीं हो रही तो हमारी कंक्रीट खराब हो गई या नहीं हो गई? तो इसका आंसर आप लोग हमें लाइक और शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। मेक योर कॉन्क्रीट सीरियसली एंड इट विल बी पे बैक योर लॉन्ग टाइम। थैंक यू।